हेलो एवरीवन, रेलवे ग्रुप डी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। एक्स इजिकल टू 10 + 3 √11, देन फाइंड एक्स +1/x एंड एक्स -1/x की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू हमें ये दी गई है। तो ये बच्चों सेकंडों में होने वाला क्वेश्चन है, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। देखो ध्यान से देखो, अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम जो है ना इसका टेन का स्क्वायर करेंगे। बच्चों टेन का स्क्वायर किया हमने, कितना आ गया 100, टेन का स्क्वायर 100 आ गया। अब हम करेंगे इसका 3 √11 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, जब आप 3 √11 के स्क्वायर को ओपन करोगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों 9, और √11 का स्क्वायर क्या होगा 11, तो क्या हो जाएगा 99। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इनका ना बच्चों डिफरेंस निकालते हैं, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। क्या निकाला है मैंने इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस कितना आया बच्चों 1। ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर डिफरेंस 1 आता है, कितना आता है डिफरेंस 1 आता है, तो बच्चों जो आपके क्वेश्चन में आगे है नंबर दे रहा है उसको डबल कर दो। तो 10 का अगर आप डबल करोगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो बच्चों 20 इसका क्या है आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, सी वाला इसका आंसर है। इसकी यही ट्रिक थी, दोबारा देखो एक बार, इसका स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो, दोनों का डिफरेंस अगर 1 आता है तो बच्चों अपने बड़ी वाली डिजिट का क्या कर देंगे डबल कर देंगे। अच्छा एक चीज और है, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर आपसे ये पूछे, अभी यहाँ पे क्या पूछा था एक्स प्लस 1/x, तो ये आई है x प्लस 1/x की वैल्यू, ठीक है। अगर कोई मेरे से बोले कि भाई x -1/x की वैल्यू बताओ, तब हमें इस केस में क्या करना है, देखो x प्लस 1/x की बोले तो बड़ी डिजिट का डबल कर दिया, ऐसे ही सेम x -1/x बोलेगा तो छोटी वाली डिजिट का क्या करो डबल कर दो। तो 3 का डबल क्या होगा बच्चों 6 होगा, तो कितना हो जाएगा 6 √11। तो अगर आपसे दोनों चीज, दोनों में से कोई एक पूछेगा, बट मैंने आपको दोनों चीजें बताई हैं, अगर x प्लस 1/x पूछेगा तब आपका आंसर क्या आएगा बच्चों 20, अगर x -1/x आपसे फाइंड करने के लिए बोलता है एग्जाम में तब आपका आंसर क्या आएगा 6 √11। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये वाला सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको इसको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।